तैयारियां। सीएम नीतीश कुमार के कई कार्यक्रम में पटना और दानापुर के कई छठ घाटों का मुख्यमंत्री निरीक्षण करेंगे। दानापुर नासरीगंज घाट से निरीक्षण शुरू होगा। कई विभाग के अधिकारी और मंत्री भी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहेंगे। निरीक्षण के बाद अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी देंगे। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कार्यक्रम है आज उनका, और ऐसे में पटना और दानापुर के कई छठ घाटों का मुख्यमंत्री निरीक्षण करेंगे। दानापुर नासरीगंज घाट से मुख्यमंत्री का निरीक्षण कार्यक्रम जो है इसकी शुरुआत होगी, और कई विभाग के अधिकारी और मंत्री भी मुख्यमंत्री के साथ निरीक्षण के दौरान मौजूद रहेंगे, और निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री अधिकारियों को आवश्यक दिशा और निर्देश भी देंगे। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों काफी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं, और जिस तरह से बिहार में छठ पूजा है और अन्य त्योहार, इसको लेकर अब मुख्यमंत्री काफी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री छठ घाट का निरीक्षण करेंगे और इनके साथ कई विभाग के अधिकारी और मंत्री भी मौजूद रहेंगे, और निरीक्षण के बाद अधिकारियों को मुख्यमंत्री आवश्यक दिशा निर्देश देंगे। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की। पटना और दानापुर के कई छठ घाटों का मुख्यमंत्री निरीक्षण करेंगे। दरअसल पटना और दानापुर में कई ऐसे घाट हैं जहां पर श्रद्धालु पहुंचते हैं, काफ़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ पहुंचती है, और ऐसे में जो भी व्यवस्थाएं हैं वहां पर उन तमाम व्यवस्थाओं को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज निरीक्षण पर निकलेंगे। पटना और दानापुर के कई छठ घाटों का मुख्यमंत्री निरीक्षण करके व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे। दानापुर नासरीगंज घाट से निरीक्षण की शुरुआत करेंगे मुख्यमंत्री, और इस दौरान कई विभाग के अधिकारी और मंत्री भी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहेंगे। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कई कार्यक्रम हैं, और ऐसे में मुख्यमंत्री दानापुर और पटना के कई छठ घाटों का निरीक्षण करेंगे। दरअसल बिहार में छठ पूजा है और उसको लेकर अब तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है, और ऐसे में अब मुख्यमंत्री भी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं, और मुख्यमंत्री कई विभाग के अधिकारियों के साथ आज छठ घाट का निरीक्षण करेंगे, और इस दौरान अधिकारियों को भी आवश्यक दिशा निर्देश देंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रोहित वर्मा लाइव जुड़ गए हैं। चलिए सीधा रुख करते हैं रोहित की ओर। रोहित, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं, और ऐसे में बिहार में छठ पूजा का महापर्व है और तैयारियां जोरों शोरों से हो रही है, और ऐसे में अब मुख्यमंत्री स्वयं छठ घाट का निरीक्षण करने के लिए आज निकलेंगे। क्या कुछ जानकारी और अपडेट रोहित? बिल्कुल, देखिए बिहार में महापर्व के नाम से जाने जाने वाला छठ पूजा अब नज़दीक है, और ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद ग्राउंड पर उतरने लगे हैं। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने करीबन 10 बजे वो अपने सरकारी आवास से निकलते हैं और सीधे पटना के छठ घाटों का निरीक्षण करने के लिए वो दानापुर की ओर जाते हैं। नासरीगंज से इस निरीक्षण की शुरुआत होती है। स्टीमर पर सवार होकर बिहार के मुख्यमंत्री के साथ साथ बिहार सरकार के डिप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी और बिहार सरकार के कई मंत्री नीतीश कुमार के साथ मौजूद होते हैं, और नीतीश कुमार छठ घाटों का निरीक्षण करीबन 2 घंटे तक करते हैं। और ठीक विधानसभा चुनाव के पहले नीतीश कुमार जिस तरीके से इन दिनों एक्टिव नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव को मद्देनजर में रखते हुए नीतीश कुमार जो है वो नजर आ रहे हैं। और देखिए जिस तरह से छठ घाटों का निरीक्षण नीतीश कुमार ने किया है, और खबर यह भी है कि निरीक्षण करने के बाद नीतीश कुमार जो है वो आज बिहार वासियों को और खास तौर पर पटना के लोगों को एक बड़ी सौगात भी देंगे। हाँ, बड़ी सौगात भी देंगे रोहित, लेकिन जिस तरह से महापर्व छठ पूजा को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है, और ऐसे में मुख्यमंत्री भी निरीक्षण पर निकले हैं, और जिस तरह से काफी संख्या में, अगर पटना राजधानी की बात करें तो यहाँ पर काफी संख्या में श्रद्धालु जुटते हैं, और ऐसे में इन श्रद्धालुओं के लिए और जो भीड़ इकट्ठी होती है उनके लिए इस बार क्या कुछ खास तैयारियां की जा रही है रोहित? देखिए इस बार जो है छठ महापर्व को लेकर जिला प्रशासन की तरफ से पटना में कई बड़े इंतजाम किए गए हैं। हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु पटना के घाटों पर आते हैं, और पटना में करीबन 100 से ज़्यादा छठ घाट है, जिसमें कई छठ घाटों को खतरनाक भी घोषित जिला प्रशासन की तरफ से किया गया है। मगर जिन छठ घाटों पर श्रद्धालु पहुंचते हैं वहां पर विशेष इंतजाम जिला प्रशासन की तरफ से किया जाना है। वॉच टावर जो है बनवाया गया है, जहां से सिक्योरिटी पर विशेष नज़र बिहार पुलिस के जवान रखेंगे, और पार्किंग की व्यवस्था उन छठ घाटों पर की जानी है, जिसको लेकर पटना के डीएम के साथ साथ आयुक्त जो है वो खुद मॉनिटरिंग करने के लिए पिछले
कई दिनों से ग्राउंड पर उतरकर छठ घाटों पर निरीक्षण कर रहे हैं और आज खुद सुबह सवेरे नीतीश कुमार भी उन तैयारियों का जायजा लेने के लिए पटना के छठ घाटों पर पहुंच गए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तमाम दिशा निर्देश पटना के डीएम और आयुक्त को भी दिया है कि जल्द से जल्द इन तैयारियों को पूरा किया जाए। ठीक है रोहित, और इसको लेकर मुख्यमंत्री भी काफी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और तमाम अधिकारियों को भी आवश्यक दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। आगे भी आपसे तमाम जानकारी साझा करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। पटना से आ रही है सीएम नीतीश कुमार के कई कार्यक्रम। पटना और दानापुर के कई छठ घाटों का मुख्यमंत्री निरीक्षण करेंगे। दानापुर नासरीगंज घाट से निरीक्षण शुरू होगा। कई विभाग के अधिकारी और मंत्री भी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहेंगे। निरीक्षण के बाद अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी देंगे। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कार्यक्रम है आज उनका, और ऐसे में पटना और दानापुर के कई छठ घाटों का मुख्यमंत्री निरीक्षण करेंगे। दानापुर नासरीगंज घाट से मुख्यमंत्री का निरीक्षण कार्यक्रम जो है इसकी शुरुआत होगी और कई विभाग के अधिकारी और मंत्री भी मुख्यमंत्री के साथ निरीक्षण के दौरान मौजूद रहेंगे और निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री अधिकारियों को आवश्यक दिशा और निर्देश भी देंगे। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों काफी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं और जिस तरह से बिहार में छठ पूजा है और अन्य त्योहार को लेकर अब मुख्यमंत्री काफी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री छठ घाट का निरीक्षण करेंगे और उनके साथ कई विभाग के अधिकारी और मंत्री भी मौजूद रहेंगे और निरीक्षण के बाद अधिकारियों को मुख्यमंत्री आवश्यक दिशा निर्देश देंगे। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की। पटना और दानापुर के कई छठ घाटों का मुख्यमंत्री निरीक्षण करेंगे। दरअसल पटना और दानापुर में कई ऐसे घाट हैं जहां पर श्रद्धालु पहुंचते हैं, काफी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ पहुंचती है और ऐसे में जो भी व्यवस्थाएं हैं वहां पर उन तमाम व्यवस्थाओं को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज निरीक्षण पर निकलेंगे। पटना और दानापुर के कई छठ घाटों का मुख्यमंत्री निरीक्षण करके व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे। दानापुर नासरीगंज घाट से निरीक्षण की शुरुआत करेंगे मुख्यमंत्री और इस दौरान कई विभाग के अधिकारी और मंत्री भी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहेंगे। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कई कार्यक्रम हैं और ऐसे में मुख्यमंत्री दानापुर और पटना के कई छठ घाटों का निरीक्षण करेंगे। दरअसल बिहार में छठ पूजा है और उसको लेकर अब तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है और ऐसे में अब मुख्यमंत्री भी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं और मुख्यमंत्री कई विभाग के अधिकारियों के साथ आज छठ घाट का निरीक्षण करेंगे और इस दौरान अधिकारियों को भी आवश्यक दिशा निर्देश देंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रोहित वर्मा लाइव जुड़ गए हैं। चलिए सीधा रुख करते हैं रोहित की ओर। रोहित, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं और ऐसे में बिहार में छठ पूजा का महापर्व है और तैयारियां जोरों शोरों से हो रही है और ऐसे में अब मुख्यमंत्री स्वयं छठ घाट का निरीक्षण करने के लिए आज निकलेंगे। क्या कुछ जानकारी और अपडेट रोहित? बिल्कुल, देखिए बिहार में महापर्व के नाम से जाने जाने वाला छठ पूजा अब नज़दीक है और ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद ग्राउंड पर उतरने लगे हैं। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने करीबन 10 बजे वो अपने सरकारी आवास से निकलते हैं और सीधे पटना के छठ घाटों का निरीक्षण करने के लिए वो दानापुर की ओर जाते हैं। नासरीगंज से इस निरीक्षण की शुरुआत होती है। स्टीमर पर सवार होकर बिहार के मुख्यमंत्री के साथ साथ बिहार सरकार के डिप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी और बिहार सरकार के कई मंत्री नीतीश कुमार के साथ मौजूद होते हैं और नीतीश कुमार छठ घाटों का निरीक्षण करीबन 2 घंटे तक करते हैं। और ठीक विधानसभा चुनाव के पहले नीतीश कुमार जिस तरीके से इन दिनों एक्टिव नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव को मद्देनजर में रखते हुए नीतीश कुमार जो है वो नजर आ रहे हैं। और देखिए जिस तरह से छठ घाटों का निरीक्षण नीतीश कुमार ने किया है और खबर यह भी है कि निरीक्षण करने के बाद नीतीश कुमार जो है वो आज बिहार वासियों को और खास तौर पर पटना के लोगों को एक बड़ी सौगात भी देंगे। हाँ, बड़ी सौगात भी देंगे रोहित। लेकिन जिस तरह से महापर्व छठ पूजा को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है और ऐसे में मुख्यमंत्री भी निरीक्षण पर निकले हैं और जिस तरह से काफी संख्या में, अगर पटना राजधानी की बात करें तो यहाँ पर काफी संख्या में श्रद्धालु जुटते हैं और ऐसे में इन श्रद्धालुओं के लिए और जो भीड़ इकट्ठी होती है उनके लिए इस बार क्या कुछ खास तैयारियां की जा रही है रोहित? देखिए इस बार जो है छठ महापर्व को लेकर जिला प्रशासन की तरफ से पटना में कई बड़े इंतजाम किए गए हैं। हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु पटना के घाटों पर आते हैं और पटना में
करीबन 100 से ज्यादा छठ घाट है, जिसमें कई छठ घाटों को खतरनाक भी घोषित जिला प्रशासन की तरफ से किया गया है। मगर जिन छठ घाटों पर श्रद्धालु पहुंचते हैं वहां पर विशेष इंतजाम जिला प्रशासन की तरफ से किया जाना है। वॉच टावर जो है बनवाया गया है, जहां से सिक्योरिटी पर विशेष नजर बिहार पुलिस के जवान रखेंगे और पार्किंग की व्यवस्था उन छठ घाटों पर की जानी है, जिसको लेकर पटना के डीएम के साथ साथ आयुक्त जो है वो खुद मॉनिटरिंग करने के लिए पिछले कई दिनों से ग्राउंड पर उतरकर छठ घाटों पर निरीक्षण कर रहे हैं और आज खुद सुबह सवेरे नीतीश कुमार भी उन तैयारियों का जायजा लेने के लिए पटना के छठ घाटों पर पहुंच गए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तमाम दिशा निर्देश पटना के डीएम और आयुक्त को भी दिया है कि जल्द से जल्द इन तैयारियों को पूरा किया जाए। ठीक है रोहित, और इसको लेकर मुख्यमंत्री भी काफी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और तमाम